अच्छे के कर सके से खातु ब्लैक पर मिले। अच्छा सरकार कौन सी आती से जिसमें कट्टा यूरिया का लाए वो भी ब्लैक में बराबर तो खाद मंडल लाग रहे थे और दोहरे 100 रुपये ब्लैक ले से। अच्छा अच्छी कौन सी बतावांगे जड़े मुसलमान वोट देंगे उड़े हम जाएंगे। अच्छा तो प्रॉपर चलोगे है प्रॉपर चलोगे बराबर चल लेंगे। एक 10 साल क्यों रही है कुछ न कुछ काम करें जब भी आई होगी ना। ये तो दुर्भाग्य इनका है कि पूरे सीट नहीं आई बीच में बदनाम हो चुकी है बीच में गठबंधन में बदनाम हो चुकी है ग्राफ नीचे गया है बीजेपी का। अगर आगे नहीं समझे ये तो इनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों राम राम। मैं आपका सती सतेंद्र सिसाई फिलहाल आपने बता दें भाई मिर्ज़ापुर के अंदर मौजूद बुजुर्ग बैठे हैं बातचीत आपकी करवाएंगे क्या कुछ मामला चल रहा है। राम राम जी। जी अंकल जी बात करें तो लोग 10 साल के आसपास बीजेपी में हो गई 5 साल अकेली चली 5 साल गठबंधन में चल ली क्या कुछ काम हुए हैं आपके आसपास। हम तो आपसे ये पूछ रहे हैं 10 साल क्यों रही है कुछ न कुछ काम करें जब भी आई होगी ना। ये तो दुर्भाग्य इनका है कि पूरे सीट नहीं आई बीच में बदनाम हो चुकी है बीच में गठबंधन में बदनाम हो चुकी है ग्राफ नीचे गया है बीजेपी का। अगर आगे नहीं समझे ये तो इनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तो बात करा तो आप का ग्राफ नीचे गया है कोई कारण आपने नजर आ रहा है इस कारण गया है भ्रष्टाचार हुआ पार्टी में जो गठबंधन की पार्टी थी उसमें रोक के ऐसे रुकी नहीं सरकार टूटने का खतरा रहा इनके इसलिए वो नकेल नहीं कर सके ये इसलिए इनके साथ साथ इनका भी ग्राफ नीचे गया। तो तू बात करा हरियाणा सरकार के जो मैं चाहे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की बात कर लिया चाहे फिलहाल नायब सैनी जी की बात कर लिया इनका सबका बयान आवे कि भाई जो खर्ची पर्ची चला करती पहले सरकार में हमने वो बंद कर दी है क्या कुछ लगे कितनी बंद हुई है। वो तो पूरी बंद होगी किसी के मतलब कोई ये तो है नहीं कोई मतलब जान साझी का बेसक कोई ले जो मैं लवा दूंगा अदरवाइज तो 100% खर्ची पर्ची बंद हुई है उसमें तो कोई शक नहीं हो गरीब आदमी जो भी होशियार आदमी तो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो जो टैलेंट था नहीं उसको नौकरी मिली है उर्ली चल लिया भाई सब तो थोड़ी थोड़ी कर लेंगे बाद में। राम राम भाई सब और ठीक ठाक हो ठीक बढ़िया भाई बढ़िया बढ़िया। बात करें जी जैसे एक योजना चलाई थी हरियाणा सरकार ने कि पीला कार्ड वाली जो पहले की बजाय चलती तो पहले भी थी लेकिन अब की बार मतलब 1,80,000 की जो इनकम थी उस तो लगभग सबके बना दिए कितना फायदा मिल रहा है जी उन चीज़ों का। फायदा तो अच्छा मिल रहा है लोगों ने फ्री में मिला है सबकी में सारा सौदा फ्री में मिला है। दुरुपयोग हुआ है हाँ इसका दुरुपयोग हुआ है 180 जो 1,80,000 जो रखी गई लिमिट उसके साथ साथ और एजेंडा लेके आना था भी इसमें नहीं जितने भी संयुक्त परिवार थे नहीं 2-3 छोरे थे तो हर एक माँ बाप थे 4 कार्ड बन के 1,80,000 उनके नीचे आ गई और सारा हरियाणा पीले कार्ड में आ गया कहीं भरिया कार्ड किसी का रहा ही नहीं क्या इनके पास सारी संपत्ति खत्म हो गई हरियाणा की। ये तो एक दुरुपयोग होया है इसका पीले कार्ड का एक दुरुपयोग करने के फ्री में फ्री का सिस्टम तो बंद कर देना चाहिए कोई चीज़ गवर्नमेंट हम तो उसके खिलाफ है जी। प्रॉब्लम तो वो ठीक सो राजी खुशी जमा हाँ जमा तो क्या कुछ लागे कौन सी सरकार बढ़िया है कौन सी अच्छे काम कर सके हरियाणा में। अरे अच्छे के कर सके खातु ब्लैक पर मिले। अच्छा सरकार कौन सी आती से अच्छा जिसमें जो कट्टा यूरिया का लाए वो भी ब्लैक में बराबर तो खाद मंडल लाग रहे थे और दोहरे 100 रुपये ब्लैक ले से। अच्छा अच्छी कौन सी बतावांगे जड़े मुसलमान वोट देंगे उड़े हम जाएंगे। अच्छा तो प्रॉपर चलोगे है प्रॉपर चलोगे बराबर चल लेंगे। जाट जितने से इतने मुसलमान से अच्छा यू तेरा रोजाना तो यू खट्टर यू कैसे सैनी रोजाना कैसे मोदी बोला जाट मुसलमान भाई मुसलमान देंगे उड़े हम दे देंगे। अच्छा अच्छा तो वे किसान आंदोलन चला था 13 महीने पहले सॉरी 13 महीने लगातार आंदोलन चला था क्या करा कि मैं फायदा कि मैं उस तरह नुकसान दलदल ने खोला से कोर्ट ने खोला से और तो बॉर्डर तो उन्होंने है प्रधानमंत्री मोदी लगभग 2,000 रुपये तो भी नहीं मैं दूँ किसानों ने 6,000 साल के दूँ कि मैं फायदा हो रहा है क्या फायदा हो रहा है
कोई फायदा नहीं उसमें मिलते को नहीं खाते हैं बोले के लिए जैसे चौक नहीं बराबर सराबर करते हैं बराबर तभी लिखा हुआ से अच्छा यूरिया भी ब्लैक में डीएपी ब्लैक में पानी पूरी कितना गांव है नहरा में नहरा में किसा पानी छाइब के उन्हें पानी हम मिलता टाइम पर चलो भाई ताऊ तो बात कर लिए ताऊ पूरे करंट में है राम राम जी हो ठीक सो राजी खुशी हो बढ़िया जो विधानसभा चुनाव 2024 का आने लग रहा है क्या कुछ मुद्दे रहोगे अब की बार चुनाव में भाई क्या सोच के वोट डालोगे मामा ने पूछा सर लड़नी आना है अब जनता तो पूछा जी तो मुद्दे भी जरूरी हो आज 10 साल का शासन आप देखने लग रहे हो मुद्दे तो बताया दिया थे खात आला से कि और से ये छोटे मोटे मुद्दे है जो कार्ड आला से ये मुद्दे ही है इलेक्शन देख के वोट दे देंगे लोग बेचारे और के इन्हें बहुत और दुष्यंत चौटाला को हाँ तब तो पूछा है सवाल तो तब दुष्यंत चौटाला कहो था कि हम नया गठबंधन कर खानदान ने कोनी मेरा किसका से क्या 100 रुपये पेंशन कराने की कहूँ थे कोई को नहीं गठबंधन के हो यार 100 रुपये का था जो दुष्यंत है था कोई उम्मीद नहीं थी चलो कोई बात नहीं चलो भाई एक बार छोटा सवाल कराए तो अंतिम में चल रहे फिर गांव गांव के हाल चाल बता दो पुलिस साइड लिया भाई गांव के हाल चाल बता दो जी कितने की वोट बांटा गांव में बराबर है सबके बराबर गांव में बराबर गांव बढ़िया जो है मिर्जापुर की बात करा मिर्जापुर ये मैं करूं और हां इसी की करो हो हां सही तो किसा पीछे अभी लोकसभा चुनाव हुआ था किसा मुद रहे बढ़िया बराबर बीजेपी जीती है बीजेपी जीत के निकली थी मनवाला हलकम बीजेपी जीत हुई है मनवाला हलकम में बीजेपी 15,000 से जीत हुई है अब किसान सोच के ने बढ़िया कैंडिडेट देंगे तो कैंडिडेट का मुद्दा है जिसकी ज़्यादा पकड़ है वो लेके जाएगा एक वो बागी ने लिया होंगे किसी और ने दल बदलून लिया होंगे उसका है कड़मी लाई जे तो सीधा बढ़िया आदमी ने टिकट दे होंगे तो ये निकल सके हैं हाँ इसने जो दल बदला के किसी ने लिया होंगे भाई जीतेगा तो कौन जीतता वो तो जो कांग्रेस है जो विपक्ष का भूमिका निभारी है वो कहा कि भाई MSP होगी किसानों की और बहुत सारी जो मुद्दे हैं उनके अपना जो मैनिफेस्टो है उसमें ऐड कर रखे हैं कि भाई संपूर्ण कर्जा माफ की बात है क्या कुछ इससे वोट मिल सके देखो वोट तो है नहीं एक राजनीति सी है लोभ की फरी की लोग है नहीं फरी में चाहे हैं ये बताओ सबका कर्जा माफ हो गया तो देश को कहाँ लेके जाओगे कंगाल हो गया ये तो लंका में क्या हाल होया था फरी किसको चाहिए फरी जो काम नहीं करेंगे लोग बेकार हो जाएंगे निकट्टू हो जाएंगे काम ही जो नागरिक नहीं करेगा अगर समाज नहीं करेगा अपने घर में काम नहीं करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा क्या आएगा फरी कहाँ से आएगा काम तो कर्म है काम करोगे तो किमें आएगा फरी कहाँ से फरी को मशीन लगा रखी है इन पार्टियों ने कौन सी पार्टी अपने मैनिफेस्टो में ये बताया हम यहाँ से लेके आएंगे बजट और ये फरी देवांगे बताओ कौन सी पार्टी खड़ी हो गए ने ये बेमतलब का नहीं लोगों को बखान का मुद्दा है और ये बिना बात है नहीं अपनी है नहीं झूठे वायदे करके अपने करप्शन के लिए ही ये नारे लगाते हैं भाई वहाँ से कितना मोटे रह जाए ये हम तो खिलाफ हैं इस फरी के बीजेपी का मुद्दा रहा था कि राम मंदिर बन गया 70 साल में नहीं बन पाया क्या कुछ लगा है जी उस तक कोई हरियाणा में फर्क पड़ सका है राम मंदिर का कोई मुद्दा नहीं है राम मंदिर का हरियाणा में कोई मुद्दा नहीं है हरियाणा में जो इलेक्शन होगा वो है ना एरियावाद और कुछ नहीं मतलब लास्ट में जाति पे निर्भर कर जाता है जाति के अलग अलग फैक्टर है नहीं वहाँ काम कर जाते हैं इसलिए है नहीं किसी का कुछ नहीं कह सकते कि कौन आएगा और कौन जाएगा अभय सिंह चौटाला के और अंतिम क्वेश्चन है कि भाई कब है जब किसान आंदोलन चल रहा था जब मैं अकेला व्यक्ति था पूरा हरियाणा में कि मैंने इस्तीफा दिया था कोई भी पार्टी का जो उम्मीदवार हैं जो मंत्री MLA विधायक थे किसी ने इस्तीफा नहीं दिया आपकी बार जो किसान हैं उनके वोटर का अधिकार सिर्फ मेरा है क्या कुछ लगा जी अधिकार तो जितने भी खड़े होंगे सभी का है इव इस्तीफा दिया है इस्तीफा देने के बाद जब बाई इलेक्शन डिक्लेयर हुआ फिर टिकट की क्यों ले ली अगर खड़े रहता वहाँ किसानों का अगर इतिहासी रहता तो दोबारा MLA बनने की जरूरत नहीं थी पक्का लीडर बन जाता दोबारा से MLAship क्यों ली किसी और भाई को लौटा देता ये तो किसी का सब का हक है भूपेंद्र हुड्डा का भी हक है वो भी किसानों के साथ बोलता रहा है कि मैंने कि मैं और दूसरे तीसरे बीजेपी के नेता हैं ऐसे जो कि किसानों का हक में बोले उनका भी हक है हक तो सभी का है
वोट का मांगने का आदि सभी का अधिकार है और सबको है नहीं, जितनी जिसकी उकत होगी, जितनी उसके परफॉर्मेंस होगी, उस हिसाब से काम वोट मिल जाएंगे। बाकी जो झूठे नारे में तो अगर जनता फंसती है तो देश का दुर्भाग्य मानता हूँ मैं ये। फिलहाल वही मिर्जापुर तक आपकी बातचीत करवाने लग रहे थे, क्या कुछ लगा कमेंट करके बता दे, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। इसी के साथ अपने वीडियो विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।